आज हम सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक मकान में 100 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत 3 रुपये प्रति यूनिट हो। हमें पता है कि इस सवाल को हल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूनिट इज इक्वल टू वाट घंटा गुणे दिन गुणे संख्या अपॉन में हम लिखते हैं 1000। ठीक है, हमें इसमें क्या बोला है, यूनिट है तो यूनिट हमें नहीं पता, यूनिट हमें निकालना है। हमारा वाट कितना दिया हुआ है, हमारा वाट दिया हुआ है 100, हम लिख देंगे 100 गुणे। हमारा घंटा कितने दिया, कितने घंटे तक हम यूज करते हैं उसे, 6 घंटे तक। दिन कितना दिया है, 30 दिन। और इसकी संख्या कितनी है, 15 बल्ब है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन में 1000। 1010 ये 20 कट गया, ये इस तरह हो गया। आप अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 तिया 45, 45 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 270। अब हमारी ये यूनिट निकली है 270। अब क्या बोला है, विद्युत 3 रुपये प्रति यूनिट हो, तो 3 रुपये प्रति यूनिट अगर हम देखते हैं तो आप 270 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा 0। 3 7 21 2 3 6 8, ये आएगा आपका आंसर फर्स्ट का। अब हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 वाट है, इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक उपयोग में लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा लगेगी। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी पूछा है कि कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा लगेगी, सेम फॉर्मूला आप लगा दीजिए, यूनिट इज इक्वल टू वाट गुणे घंटा गुणे दिन। इसमें हम संख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारी संख्या नहीं दी हुई है। क्या हमारा सवाल बोला है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 वाट है, वाट तो हमें पता चल गया, इसे प्रतिदिन 6 घंटे, घंटा भी पता चल गया, 30 दिन तक प्रयोग में लाने पर कितने यूनिट, दिन भी पता चल गया, और संख्या तो इसमें दी नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। वाट है 5, घंटा है 6, दिन है 30 इज इक्वल अपॉन 100, ये 1010 कट जाएगा, 5 1 5 5 2 6 5 2 10 0, 2 3 6 2 1 2 0, ये आ जाएगा, 3 3 9, ये बचा 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.9, ये हो गया हमारा यूनिट आंसर। सो थैंक यू।